चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ टेलीफोन वायर ऑफ लेंथ 200 किलोमीटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 0.014 माइक्रोफैरेड पर किलोमीटर इफ इट कैरीज एन एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज़ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इंडक्टर रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। तो देखो इस सर्किट में इंडक्टर है और कैपेसिटर है, ठीक है, और आपका एसी सोर्स है, ये सीरीज में आपका कह रहा है क्वेश्चन में। अच्छा, टेलीफोन वायर में कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 किलोमीटर में है 0.014, ठीक है, माइक्रोफैरड। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा? लेंथ इनटू जो है स्मॉल सी कर देते हैं, 1 किलोमीटर का रेट के हिसाब से, तो 200 किलोमीटर इनटू 0.014 माइक्रोफैरड पर किलोमीटर, ठीक है। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2.8 माइक्रोफैरड आएगा। तो 2.8 को 2.8 इंटू 10^-6 फैरड लिख सकते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इंडक्टर फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है आपका 5 किलो हर्ट्स। तो 5 किलो हर्ट्स को लिख सकते हैं 5 × 10^3 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी 5 × 10^3 हर्ट्स। अच्छा, इंपेडेंस इस सर्किट में, इंपेडेंस Z की वैल्यू क्या होती है? Z इज इक्वल टू XL माइनस XC या XC माइनस XL, ठीक है। तो ये मिनिमम कब होगा? Z मिनिमम कब होगा? जब XL की वैल्यू XC के इक्वल हो, XL की वैल्यू XC के इक्वल हो। XL की वैल्यू क्या होती है? L ओमेगा, XC की वैल्यू 1/C ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो हमको निकालना क्या है? हमको इंपेडेंस निकालना, इंपेडेंस के केस में मिनिमम के केस इंडक्टर की वैल्यू निकालनी, तो यानी L की वैल्यू निकालनी। L इज इक्वल टू क्या होगा? 1/C × ω² 1/C की वैल्यू कितनी हो गई? 2.8 × 10^-6 इंटू ओमेगा की वैल्यू 2π(ν)² ये होगा L की वैल्यू। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। L इज इक्वल टू 1/2.8 × 10^-6 और ये 4π² हो जाएगा, 4π² × ν² न्यू की वैल्यू कितनी है? इतनी है। चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.8 × 10^-6 इंटू 4 × π² इंटू 5 × 10^3 का होल स्क्वायर, ये होगा L की वैल्यू। ये कैलकुलेट कर लेंगे, 2.8 × 10^-6 इंटू 4π² इंटू 25 × 10^6 ये हो गया। तो ये 10^6 और ये 10^6 खत्म हो जाएगा, ये 4 है, ये 25 है, 100 हो जाएगा। तो ये 1/28 × 100 इंटू पाई स्क्वायर, अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे ये आएगा 1/280 × π² L। तो इसको कैलकुलेट कर लें, अगर पाई स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी होगी? 3.14 × 3.14 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये होगा 3.14 × 3.14 ये आएगा 9.85 × 280 ये आएगा 2760, यानी L की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको फिर से लिखूं, यहाँ L इज इक्वल टू आ गया 1/2760, ये है, ये हेनरी में होगा। इसको आप मिली हेनरी में, क्वेश्चन कह रहा है मिली हेनरी के लिए, आप क्या करोगे? 10^3 कर दोगे डिवाइडेड बाय 2760, ये मिली हेनरी हो गया। तो L की वैल्यू आई 1000 / 2760। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1000 / 2760 तो ये क्या होगा? 1000 / 2760 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.36 आ रहा है मिली हेनरी।
ये आ गया, एल की वैल्यू कितनी आ रही है 0.36 मिली हेनरी। तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा ऑप्शन है? ए वाला ऑप्शन सबसे क्लोजेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।